हेलो गाइस, अनुभास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, अक्टूबर का महीना आ गया है, सर्दियाँ आ गई है। हमारे यहाँ तो है, रात को ठंड है, दिन में गर्मी है। तो जो हमारे प्लांट्स है, जो सबर प्लांट्स है, उनके जो है डोरमेंसी पीरियड नज़दीक आ रहे हैं। इन लोगों का टाइम हो रहा है सोने का, तो इससे पहले इन लोगों से अभी भी टाइम है। अपराजिता पर अभी फ्लावर लेने का टाइम है, नवंबर तक आपके फ्लावर आ सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से केयर करते हो और फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हो अच्छी तरह से, तो आपके प्लांट्स में भी बहुत फूल खिलेंगे अपराजिता पर। तो गाइस, मैं आपको आज बताऊंगी अपराजिता पर एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिससे कि आपकी जो अपराजिता है उसके ऊपर ढेर सारे फूल आएंगे और उसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगी। और जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। और जो जैसे है कलियाँ बनती है, फूल खिलते नहीं, उससे पहले झड़ जाते हैं। और जो आपके प्लांट्स मुरझाए मुरझाए से रहते हैं, तो वो सब आपके एक फर्टिलाइज़र से ठीक होगा। तो गाइस, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो मेरा अपराजिता है, मैंने एक दिन पानी नहीं डाला, कल मैंने पानी नहीं डाला। तो आप लोगों से हम कहते हैं कि भाई पानी जो है बैलेंस डालना चाहिए और मिट्टी जो है हमेशा मॉइस्चर बनी रहना चाहिए। तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ हम लोग क्यों कहते हैं कि जो मिट्टी है आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए हमेशा। तो देखिए, बिल्कुल देखिए, सूख से गए हैं, न्यू ग्रोथ है, देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है। देखिए, फिर भी पानी नहीं दिया मैंने कल, तो आज सुबह भी मैंने दिया नहीं इसको। तो देखिए कैसे मुरझा सा गया है, और जैसे ही पानी दूंगी तो फिर से ये खिल उठेगा। तो आप इसकी मिट्टी चेक कर सकते हैं, देखिए ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई है, ये देखिए बिल्कुल मिट्टी मॉइस्ट नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं जो मिट्टी है मॉइस्ट होनी चाहिए, हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल दलदला नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल सूखा भी होगा तब भी आपके जो प्लांट्स हैं वो मुरझा जाते हैं, एक दिन पानी ना दो तो उसके पत्ते भी इस वजह से पीले हो गए हैं, ये देखिए। तो गाइस, मैं आपको इसकी केयर के बारे में बताती हूँ। आप तो वैसे ठंड आ गई है, तो पानी इसके मतलब वैसे भी आपको कम मतलब बैलेंस डालना चाहिए, जब ज़रूरत होगी तभी डालना है। और जो धूप है इसको 5-6 घंटे की दीजिए, या फिर आपको अगर सारा दिन की धूप मिलती है तब भी ठीक है। और इसके जो मतलब जो आपके जैसे रूट्स इसके जो टहनियाँ वगैरह सूख चुके हैं इनको कट कर देना चाहिए, ये देखिए ये सूख गए हैं, तो इनको कट कर देना चाहिए। जो सूखे हुए टहनियाँ हैं उनको कट कर दीजिए, क्योंकि अभी इसकी भी टाइम है, फ्लावरिंग हो सकती है इसकी भी। तो देखिए, जो आपके बहुत ज़्यादा सूख गए, बहुत लंबे लंबे हो गए, पत्ते पीले हो गए, उनको जो टहनियाँ हैं ये इस टाइप के, तो उनको कट कर देना ही ठीक रहता है। तो न्यू ग्रोथ इसमें भी स्टार्ट है, अभी भी इसका टाइम है, इसलिए देखिए सभी में न्यू ग्रोथ है, ये सारे जो है न्यू ग्रोथ है। मैंने पानी नहीं दिया इस वजह से ऐसे मतलब लटक से गए हैं। तो देखिए, इसको मैं मतलब सुबह उठते इसके सूरज मिल जाता है, मतलब रोशनी मिल जाती है, और ये शाम तक मतलब धूप इसके बहुत तेज़ है, अब तो इस बहुत तेज़ है। तो इस वजह से देखिए, जो सूखे टहनियाँ मैं उनको कट कर दे रही हूँ, और जो नए हैं उनको मैं रहने दे रही हूँ। इस तरह से मैं पूरे को ये कट कर दूँगी। तो जो सॉफ्ट प्रूनिंग है आप लोग भी अभी भी कर सकते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग, जैसे सूखे हुए डाली वगैरह होते हैं, या जो ये आपके शीट्स बनते हैं ये देखिए, तो इससे भी आपके जो प्लांट्स हैं मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं शीट्स बनने से। तो अपराजिता का जो है प्लांट्स, वो अभी भी मतलब टाइम है, इसमें नवंबर तक आपके फूल खिलेंगे अच्छी तरह से, अगर आप अच्छी तरह से इसकी केयर करते हो। इसको अच्छी तरह से धूप देनी है 5-6 घंटे की, और पानी भी आपको जब ज़रूरत हो तभी हो ज़्यादा दिन देना चाहिए। और जो इसके मतलब सूखे हुए टहनी वगैरह है तो उनको कट करके फेंकना चाहिए, और जो शीट्स वो बनते हैं वो भी गेर देना चाहिए। देखिए ये कितने बड़े बड़े शीट्स से हो रहे हैं, तो मुझे रखना नहीं है इसलिए मैं इनको कट करके फेंक देती हूँ हमेशा ही, मतलब तोड़ती हूँ। तो गाइस, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है ऐसे, जिससे कि इसकी ग्रोथ भी अच्छी होएगी और फूल भी अच्छे क्वांटिटी में मतलब खिलेंगे आपके, नवंबर तक सर्दियों तक फूल आते रहेंगे। और इसमें कोई भी मतलब आपके, तो कैसे इसके साथ आपको भी मैं टिप्स देती हूँ कि भाई आपके जो ये नील मतलब अपराजिता है, इसको नीलकंठ भी कहते हैं हम लोग,
तो इसको किस तरह से बूशी बना सकते हो या फिर किस तरह से इसको बेल वाली बनती है, तो इसको बेल वाली नहीं बनाना है और इसको बूशी बनाने के लिए किस तरह से आप लोग कर सकते हो। जैसे इसकी देखिए बेल अभी इससे निकल रही है, तो मैंने इसको कटिंग से लगाया था, देखिए इसमें फूल बनने वाले हैं, ये देखिए। तो इसको इस तरह से जो बेल आपकी बनती है इस तरह से कट कर देना चाहिए, जो बेल है ना बेल, इनको अगर कट कर देते हो तो इसके जो ब्रांचेस हैं यहाँ से आपके 2-3 के करीब निकलेंगे, ये देखिए 2-3 निकल जाएंगे यहाँ से। तो ऐसे कटिंग करते रहो तो घना बनता रहेगा। तो देखिए इसको मैंने कटिंग से लगाया था, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन सा खाद है, ये देखिए ये है वो पानी, आपको बिल्कुल सफ़ेद पानी लग रहा है, बिल्कुल प्लेन पानी है, जबकि ये प्लेन पानी नहीं है। और ये जो है पानी आपका, ये है आपका फिटकरी वाला पानी है, मैंने इसमें फिटकरी का पाउडर बना के घोल के और मैंने कल बनाया था, तो मैंने आज मतलब रखे, देखिए बिल्कुल हमारे यहाँ तो जो अच्छे वाले फिटकरी है तो इस वजह से इसका कलर इतना वो नहीं आया, बाकी तो पानी में अगर गंदगी होता तभी ये कलर ऐसा होता है। और उसमें इसमें मैं मिक्स करूँगी और एक चीज़ मिक्स करूँगी, ये है आपके, ये है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ठीक है, ये आपका पोटेशियम से भरपूर होता है और पोटेशियम आप प्लांट में डालोगे जब ही आपके जो पोटेशियम डालने से ही आपके प्लांट्स में फूल फल और जो मतलब कलियां बनती हैं तो पोटाश की वजह से ही बनता है। तो आपको 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार पोटेशियम वाला खाद तो डालना ज़रूरी है। उसके अलावा मैं डालूँगी, देखिए ये डालूँगी मैं चाय की पत्ती, 1 चम्मच के करीब मैंने चाय की पत्ती ले लिए है और 1 चम्मच के करीब मैंने ले लिया है आपका ये ये किचन वेस्ट, ठीक है। तो ये क्योंकि नाइट्रोजन से भरपूर होता है आपका ये जो खाद है, तो ये सब मिक्स करके मैं डालती हूँ। तो इन खादों को मैं देखिए मैं इस तरह से डाल दूँगी, इस तरह से मिक्स कर दूँगी मिट्टी से। ये करेले का बेल पता नहीं कैसे इसमें चिपक गया है, तो देखिए इसमें भी बहुत सारे करेले आ रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे से, ये देखिए छोटे छोटे से करेले बन रहे हैं इसमें भी। तो बेल मैं अगर निकालूँगी तो ये करेले इसके टूट जाएंगे, इसमें बहुत सारे करेले हैं, ये देखिए छोटे छोटे से, पता नहीं कैसे बेल इसके चिपक गए हैं इसमें। तो आप लोगों से मैं ये शेयर कर रही थी। हाँ ये देखिए मैंने ये आधा ले लिया पानी और आधा ये जो फिटकरी वाला पानी है, जो फिटकरी का पानी होता है आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, रामबाण का काम करता है ये, आपके जो पत्ते पीले हो जाते हैं, कलियाँ नहीं बनती है, फूल नहीं आते हैं, तो इसकी मिट्टी जो है उसको भी जो है एसिडिक बनाती है और मिट्टी को भुरभुरी बनाती है। ये देखिए केले के एक छिलके जो है मैंने मिक्स कर लिया है, देखिए ठीक है इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, अब इनको मैं इसमें डालूँगी। तो ये पानी अगर आप डालते हो जो आपके केले के छिलके हैं उसको, तो आप 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं, और जो आपका ये फिटकरी वाला पानी है 1 महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार डालोगे तो आपके जो प्लांट्स हैं उसके जो फूल और फल देने का जो मतलब वो है बहुत ही अच्छा वो होता है। ये बांस के है तो तरह से कट लग गई इसमें। तो देखिए इस तरह से आप भी अगर प्राप्त पर आगे ढेरों फूल पाना चाहते हैं, नवंबर तक सर्दियों तक फूल पाना चाहते हो तो इस तरह से आप भी केयर कीजिए, इस तरह से आप भी फर्टिलाइज कीजिए, तो इसमें ढेर सारे फूल आएंगे, न्यू ग्रोथ आएंगे और अच्छे अच्छे से मतलब फूल खिलेंगे इसमें, देखिए। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।